सभी दोस्तों को प्रणाम। एक बात ब्रह्मचर्य के आनंद की काफ़ी बार चर्चा होती है, आप लोगों ने सुना होगा, ये आखिर क्या है? इसका आपको एक अलग दृष्टिकोण से एक चीज़ समझाता हूँ। आज चार सेंटर हमारे मन में होते हैं, IESM है ना। आई सेंटर जाने की इंफॉर्मेशन सेंटर, ई जाने की इमोशन सेंटर, एस जाने की सेक्सुअल सेंटर, एम जाने की मोशन सेंटर। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है? ब्रह्मचर्य का मतलब हमेशा उच्च चेतना में रहना है ना। देखिए दोस्तों, इन चारों सेंटर्स के अलग अलग काम होते हैं, और जिसका कौन सा सेंटर ज़्यादा एक्टिवेट है, कौन अपने कौन से सेंटर को ज़्यादा ऊर्जा देता है, उसका जीवन वैसा ही हो जाता है। थोड़ा शॉर्ट में इन सेंटर्स के बारे में आपको बताता हूँ मैं। आई सेंटर जाने की इंटेलिजेंस का सेंटर है ना, समझ का सेंटर, एक मैच्योरिटी का सेंटर है ना। ई जाने की इमोशन का सेंटर, कुछ लोग उतने बड़े इमोशनल होते हैं ना, जल्दी ही दुखी हो जाते हैं, छोटी बातों पे रोते हैं ना, या फिर चीज़ों को समझते कम हैं। निर्णय लेना सिर्फ इमोशन के आधार पर है ना, किसी इमोशन से ट्रिगर्ड होकर, वो गलत बात है। ऐसे सेंटर जाने की जो भी पशु वृत्ति है ना, बहुत ज़्यादा कामुक अवस्था में रहना हर वक्त है ना, या फिर कुछ एडिक्शंस होते हैं। एम मोशन सेंटर है ना, हम कौन से सेंटर को कितना रेगुलेट करते हैं, कितनी ऊर्जा देते हैं, वो सेंटर मोशन में आ जाता है ना। हम कामुक विचारों को अंदर जाने देंगे तो ऐसे सेंटर मोशन में आ जाएगा। ये चार सेंटर्स होते हैं, इनकी रेशियो होती है 5:2:1। इनके बारे में डिटेल में अलग से बात बताएंगे आपको है ना, अभी मैंने आपको थोड़ा शॉर्ट में इनका परिचय दे दिया है। अब बात क्या दोस्तों, आई सेंटर की बात हो रही है। आई सेंटर यानी कि समझ का सेंटर। जब हम चीज़ों को समझते हैं है ना, चीज़ों को डीप में जाके समझने का प्रयास करते हैं, जिनको भी हम महान पुरुष कहते हैं ना, चाहे श्री रामचंद्र जी हो है ना, श्री कृष्ण जी हो, मीरा हो, कबीर हो, फरीद हो, गुरु नानक देव जी हो, गौतम बुद्ध हो, महावीर जैन हो है ना, जितने महान पुरुष हुए हैं, जित्तू कृष्ण मूर्ति हो, स्वामी विवेकानंद हो, रामकृष्ण परमहंस हो, रमण महर्षि हो, जितने महान पुरुषों की बात होती है, संत रविदास हुए है ना, गुरु गोविंद सिंह जी हुए, छत्रपति शिवाजी महाराज जी हुए है ना, जितने संत हुए, जितने महान पुरुष हुए, इन सब का ना आई सेंटर बहुत ज़्यादा एक्टिवेट था। इन्होंने अपनी ऊर्जा सारी आई सेंटर पे काम किया था है ना, ब्रह्मचर्य आनंद। अब होता क्या दोस्तों, जब कोई इंसान बार बार समझ, अपनी समझ पे काम करता है ना, एक समय के बाद उसकी समझ इतनी चेतना इतनी हाई पहुंच जाती है ना, कि अब ना उसको सारी चीज़ें साफ साफ नज़र आती हैं। अब हमें आनंद की बात की, आनंद का दूसरा उल्टा शब्द है दुखी रहना, परेशान रहना है ना। देखो सीधी सी बात है, इंसान परेशान तब ही रहेगा जब उसको जीवन में कुछ क्लियरिटी नहीं होगी है ना। आज का युवा परेशान है, उसको कैरियर के बारे में चिंता है ना, उसको आगे जीवन के बारे में चिंता है, उसको कुछ क्लियरिटी नहीं है। आपने लूसी मूवी देखी होगी है ना, वो थोड़ा सा काफ़ी अच्छी मूवी है, कुछ सोचने पर मजबूर करती है। उसमें सीन आता है जहाँ पे उस लड़की को ना सब कुछ साफ साफ नज़र आना शुरू हो जाता है, कि देखो इस पेड़ में से कैसे पोषण जा रहा है, कौन क्या सोच रहा है, कैसे मैसेज जा रहे हैं ना, जो हम टेक्स्ट मैसेज करते हैं, जो भी हम व्हाट्सएप पे जो भी हमारे मैसेजिंग चलते हैं ऑनलाइन है ना, सारी चीज़ें उसको सब कुछ ऐसे वो तरंगे नज़र आ रही होती है। जितने भी ये सोशल मीडिया के मैसेज सब ऐसे उसको साफ नज़र आना शुरू हो जाता है। ऐसी दोस्तों है ना, जिस दिन आप समझ पे काम करते रहते हो, चीज़ों को गहराई में जाकर समझने का प्रयास करते रहते हो ना, फिर एक अवस्था आती है जब आपको ना सब कुछ जीवन में आसपास सब कुछ साफ साफ नजर आना शुरू हो जाता है ना, फिर दोस्तों वहीं पर जीवन में आनंद की घटना घटती है। क्योंकि जब आपको सब कुछ समझ आ रहा है, जीवन समझ आ रहा है ना, कोई माइंड में ऐसा कुछ है नहीं, दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल साफ साफ नजर आना शुरू हो गया, फिर आप 24 घंटे ना एक अलग आनंद में रहते हो ना। चीज़ें आती है जीवन में, लेकिन आपको ना वो अशुद्धि रह जाती है, आप उनमें बिल्कुल खो नहीं जाते, आप परेशान नहीं हो जाते हो ना। वही है दोस्तों, इसलिए कहते हैं, आपने सुना होगा कि साधु संत 24 घंटे एक अलग खुशी में रहते का। ये दोस्तों इसलिए कहता हूँ, समझ पे काम करते रहो, आई सेंटर पे काम करो। अभी इन सेंटर्स के बारे में डिटेल में और बात करेंगे अगले वीडियोज़ में, आप बने रहे हमारे साथ है ना। तो उम्मीद आपको समझ आया होगा कि ब्रह्मचर्य आनंद का मतलब क्या है। शॉर्ट में बता देता हूँ कि अपनी समझ पे जो इंसान काम करता रहता है ना, वही है ब्रह्मचर्य का आनंद। ब्रह्मचर्य का मतलब ही है कि हमेशा उच्च चेतना में रहना, जो छोटी छोटी चीज़ों से परेशान नहीं होता है, जिसका ध्यान हमेशा उच्च लक्ष्य की तरफ रहता है,
वो अपने आप ही फिर आनंद में डूबना शुरू हो जाता है, वो हमेशा उच्च चेतना में रहता है, उसका ही सेंटर एक्टिवेट रहता है, हर चीज़ को वो समझ के तराजू पर तोलता है, तो फिर जीवन में एक अलग ही आनंद की घटना घटती है। फिर मिलेंगे दोस्तों, और हमारे कॉल सेशन चल रहे हैं ना, जिन भाइयों को कॉल सेशन में कुछ बात करनी हो है ना वीडियो कॉल के माध्यम से, हमारे जो भी साइकोलॉजी से रिलेटेड कोर्स हैं उनमें पार्टिसिपेट करना हो, वो व्हाट्सएप पर मैसेज करके डिटेल्स ले सकते हैं। फिर मिलेंगे, प्रणाम।